नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और हाल ही में चर्चित रहे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर आज हम एक करंट अफेयर्स का एक और सेशन लेके आए। सो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसएफ के नए महानिदेशक ने ज्वाइन किया है, जिनका नाम है राकेश अस्थाना। गवर्नमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएसएफ के नए महानिदेशक अभी बने हैं राकेश अस्थाना, और यहाँ पर हम बात करेंगे राकेश अस्थाना के बारे में, राकेश अस्थाना का करियर के बारे में। सो गाइस, वो हैं यहाँ पर भारत के बीएसएफ के महानिदेशक हैं, और वो जो है 27वें महानिदेशक बने हैं राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना फ्रेंड्स इससे पहले सीबीआई में रहे हैं, और ये गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1984 के जो है फ्रेंड्स ये आईपीएस अधिकारी हैं, और ये 27 वे महानिदेशक बने हैं बीएसएफ के। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि ये वर्तमान में जो है नागरी उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो बीसीएएस के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, और इन्होंने यहाँ से अभी जो है रिजाइन किया है, और उसके बाद ये बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। बीसीएएस के जो ये है महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे। सो गाइस, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज उनके बारे में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा अगला जो फैक्ट है वो है फ्रेंड्स यहाँ पर बीएसएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बीएसएफ में उन्होंने ज्वाइन किया है वो नए महानिदेशक है राकेश अस्थाना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये बीएसएफ का मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीएसएफ का जो गठन है वो 1 दिसंबर 1965 में हुआ है, और इनकी जिम्मेदारी भारत बीएसएफ का जो काम होता है वो जिम्मेदारी होती है इनकी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर नियंत्रण निगरानी रखना, और भारत की सीमा की रक्षा करना, सुरक्षा करना उसकी जो है जिम्मेदारी रहती है। और यहाँ पर फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ, बीएसएफ की जो है 188 1988 बटालियन है, टोटल नंबर ऑफ बटालियंस 1988 है, और इसका जो गठन है वो 1 दिसंबर 1965 में हुआ है। और गाइस, राकेश अस्थाना जो है यहाँ पर 27वें महानिदेशक बने हैं, और ये इन्होंने हाल ही में अगस्त में ही ज्वाइनिंग किया है। सो गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें,